दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर पूरा कलरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी गजब गजब कलर और रंग बिरंगे। और यहाँ का सबसे बड़े मूर्ति दोस्तों ये है, देख सकते हो काफ़ी प्यार लग रहे हैं माता रानी को दोस्तों। इस प्रकार दिखाने में अच्छा ही लगता है, लेकिन देख सकते हो दोस्तों काफ़ी गजब की मूर्ति बना हुआ है। देख सकते हो ये अपना भिलाई में विराजमान होगी दोस्तों, भिलाई सेक्टर 5 की माता रानी है, जो कि कल जाने वाला है, इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। कल माता रानी चली जाएंगी तो नेक्स्ट बार आने पर ये हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ पंडाल में ही बताना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों सभी रंग बिरंगे कलर हैं अंकल जी के, जो कि यहाँ इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए माता रानी, देखो दोस्तों दिन भर पूरा 90% वर्क हो चुका है, फाइनल टचअप वगैरह बाकी। देख सकते हो पूरा आँख वाँख खोल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ भाई। और देख सकते हो काफ़ी प्यारा बैकग्राउंड आर्च वगैरह भी बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और फेस देखो यहाँ का भाई, कलर क्या ही कहना यार, एक यूनिक प्रकार के कलर होते हैं हर बार और यूनिक थीम रहता है। तो ये देखो दोस्तों, ये जाएंगे कुरुद का है मूर्ति, धमतरी कुरुद, यहाँ पर राधे अंकल जी कलर का काम कर रहे हैं। एक ये मूर्ति देखो, भैया जी अभी कलर कर रहे हैं नेल पॉलिश वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ये मूर्ति देखो दोस्तों, जिस पर अभी कलर का काम हो रहा है, देख सकते हो काफ़ी प्यारा मूर्ति बन रहा है दोस्तों। अभी जस्ट आर्च वाला काम हुआ है इन पर, और जैसे जैसे दोस्तों दिन आगे बढ़ेगा काम आगे होगा और ज़बरदस्त निखार आएंगे यहाँ का। और एक ये माता देखो दोस्तों, भाई अभी जुताई का काम कर रहे हैं, जो कि रथ पर विराजमान है माता रानी। अभी दोस्तों आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना प्यारा बना हुआ दोस्तों वाला मूर्ति आप देख सकते हो, और कलर होने कर भाई बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इसके साथ देखो जो रथ है माता रानी का, वो गणपति बप्पा चलाने वाले हैं, ये भी काफ़ी क्यूट प्यारे लड्डू वाले बनाए हुए हैं, देख सकते हो पूरा रथ पर विराजमान रहेगी माता रानी। एक ये मूर्ति देखो दोस्तों, इस प्रकार के पिछले बार भी अंकल जी बनाए हुए थे, जो कि सभी नौ माताएँ हैं और बीच में शंकर भगवान है। यहाँ पर भी एक यूट्यूबर है, चैनल वाले देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि अंकल जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर देख रहे दोस्तों जस्ट आज बॉडी कलर का काम हो रहा है, एक और ही रथ वाला मूर्ति देख सकते हो। तो या इस प्रकार दिखाना अच्छा लगे माता रानी, जो जो बनते हैं उनको दिखाते हैं। एक ये मूर्ति देखो दोस्तों, और ये क्या बन, एक ये कौन से देव है पता नहीं गाइस, देख सकते हो शायद भैरव बाबा हो सकते हैं, हम अपने से बता रहे हैं। और एक ये है बैल, जिस पर माता रानी के जो सिंह हैं वो खड़े हुए, उन पर माता रानी विराजमान। चलिए पीछे चलते हैं, उस साइड और मूर्तियाँ हैं, इस तरफ से चलते हैं दोस्तों, इस साइड बहुत सारे मूर्तियाँ हैं देख सकते हो। एक ये मूर्ति देखो दोस्तों, काफ़ी गजब के हो रहे हैं, जो गोरे का साड़ी पहनाए हुए माता रानी को, और इनका जो आर्च है उसको काफ़ी गजब के लग रहे हैं। फिलहाल तो अभी नॉर्मल लगता है, जब कलर होगा दोस्तों तो इसमें काफ़ी निखार बढ़ जाएंगे इनका। तो एक ये मूर्ति देखो दोस्तों, काफ़ी गजब की मूर्ति बना हुआ है, जो कि राजनांदगांव में विराजमान होंगे, जो नेक्स्ट बार आएंगे ना तब दिखाएंगे हम आपको। इस साइड भी बहुत सारे मूर्तियाँ दोस्तों, जो कि दिखाने के हाल में फिलहाल तो अभी नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, जब क्योंकि कलर वलर नहीं हुआ है, और नेक्स्ट बार आएंगे तब दिखाएंगे आपको। तो चलिए इस साइड बढ़ते हैं, और कुछ कुछ मूर्तियाँ वो दिखाते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक ये बहुत ज़बरदस्त माता रानी, जो कि टर्टल में बैठा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कछुआ, और साइड में सिंह भी है, साथ में गणपति बप्पा है और माता रानी। भाई इनका फेस देखो, यही कमाल रहता है राधे अंकल जी का। भाई अभी एकदम सिंपल लग रही, जब इस पर कलर होगा आँख वाँख खोलेंगे ना तब प्यारा लगेगा भाई, क्या ही कहने। एक ये देखो दोस्तों, तो शायद बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा, इस वजह से नहीं कुछ ऋषि मुनि शायद शंकर भगवान है, शंकर भगवान बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब चलते हैं दोस्तों भैया अंकल जी के सेकंड गोडाउन में। इस साइड भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं भाई, ये देखो यूनिक मूर्ति भाई, इस प्रकार की मूर्ति दो तीन जगह देखने को मिला है। अब बाकी देखें, देखना ये है कि अंकल जी के कलर और बाकियों के कलर में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि भाई यहाँ का कलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एकदम अद्भुत फिनिशिंग एवं अद्भुत कलाकारी के रूप में। तो यहाँ पर देखो सिंह बना हुआ है, जिनका आग बना दिया गया है, बाकी दिखाने लायक नहीं है अभी काम, आज कलर स्टार्ट नहीं हुआ। तो और एक ये माता रानी देखो दोस्तों, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, सिंदूर भर रहे इस प्रकार के, इस प्रकार दोस्तों माता रानी पहले भी बना हुआ था, पिछले मतलब 2 साल पहले बना हुआ था। और एक ये गणपति भाई कितना प्यारा बना हुआ यार, छोटे से लाडली वाले, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ये मूर्ति देखो दोस्तों, इनका बैकग्राउंड आर्च काफ़ी प्यारे प्यारे बने हुए, जो कि हाथी है, और एक ये
अच्छे अच्छे जानवर वगैरह बने हुए हैं। इनका शेर भी दोस्तों काफ़ी यूनिक रूप में बना हुआ है, जो कि अभी तो पता नहीं चल रहा है। बाकी दोस्तों आप ऐसे देख सकते हो, जो कि हम पास में जाकर डिटेलिंग में जब कलर होगा ना तब दिखाएंगे, जो कि यहाँ का ऐसे दिखाना माता रानी को अच्छा लगता। सो फ्रेंड्स, यहाँ का मूर्ति दिखा रहे हैं आपको ऐसे नॉर्मली कैसा लग रहा है आप देख सकते हो, और ज़्यादा डिटेलिंग में दोस्तों अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब अच्छा वर्क हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा काम, नेक्स्ट बार आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अभी नॉर्मली जो भी माता रानी जो मिट्टी के साड़ी या फिर भोरे वाले साड़ी पहने उन्हीं का ही हम दर्शन करा रहे हैं आपसे भी, तो बने रहे आगे वीडियो में। तो एक ये मूर्ति दोस्तों जो कि बहुत सुंदर सुंदर बनाया दोस्तों गणपति बप्पा, इस वजह से हम दिखा रहे। देखो सभी गणपति बप्पा भाई एक से एक लाडले लाडले वाले रूप में बनाए हुए, और माता रानी को हम नेक्स्ट बार आएंगे तब दिखाएंगे। इनका फेस दिखाते हैं हम आपको, देख सकते हो भाई एकदम प्यारा प्यारा बनता है यार। चले उस साइड, इस साइड भी दोस्तों बहुत सारे मूर्तियाँ बने हुए हैं, जो कि बाकी नेक्स्ट बार आएंगे तो डिटेलिंग वीडियो हम बनाएंगे। और अभी आप ऐसे देख लो इस प्रकार की मूर्तियाँ बाहर भी उस साइड एक और बना हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार सुखाए जाते हैं दोस्तों, मौसम ख़राब होने पर जल्दी नहीं सूखता तो इस प्रकार बर्निंग किया जाता है, क्योंकि देख सकते हो पूरा गैस के दोस्तों भाप से मतलब आग से सुखाया जा रहे हैं। फिर इसके बाद पुट्टी उट्टी करके कलर स्टार्टिंग करेंगे। एक ये भी दोस्तों बहुत प्यारा मूर्ति बना हुआ, जो कि बैकग्राउंड आर्जिन का काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ देख सकते हो, बहुत प्यारा बना हुआ दोस्तों वाला मूर्ति। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ का मूर्ति तो एक नंबर सबसे एक से बढ़कर एक रहता है दोस्तों। फिलहाल तो अभी हम नॉर्मली बनाए हैं, जो कि कलर का काम अभी जब स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट बार जब आएंगे ना ज़्यादा डिटेलिंग के साथ दिखाएंगे, और अपना जो पसंद आया दोस्तों वाला मूर्ति हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सा मूर्ति हमें ज़्यादा अच्छा लगा, तो अपना चॉइस बताएं दोस्तों। एक ये मूर्ति जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, सेकंड में ये वाला मूर्ति दोस्तों बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। और अभी देखो माता रानी बहुत सारे हाथ है इसमें, लगभग 9-9 18 हाथ तो होंगे ही। एक ये मूर्ति रहने वाला दोस्तों, जो कि मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा दोस्तों ये वाला, जो कि इस साल की सबसे गजब की मूर्ति राधे अंकल जी के पास के ये लगने वाला है, जिनका सिंह देखो कुछ खुखियात रूप में दोस्तों, खूंखार रूप में, और माता रानी भी देखो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। बाकी डिटेलिंग तो हम नेक्स्ट बार आएंगे तब देंगे, जब पूरा फाइनल कलर जब इस पर पेंटिंग वगैरह हो जाएंगे तब। और ये देखो दोस्तों जी कितना अनोखे रूप में बना हुआ यहाँ का राक्षस। तो चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ये मूर्ति दोस्तों जो कि बहुत पसंद आए मुझे ये वाला मूर्ति, और यहाँ का दोस्तों गिनी चुनी दो चार ये मूर्ति है, जो कि बहुत अभी से इतना प्यारा लग रहा है दोस्तों। कलर के बाद तो सभी एक से बढ़